सर्दी लगी सर्दी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और बाहर देखो फॉग एंड ब्यूटीफुल मौसम, और अभी हल्की हल्की बूंदे भी आ रही थी बारिश की, तो बड़ा ही प्यारा और मजेदार मौसम हो रहा है। काफी ब्यूटीफुल मौसम है, बस इसके लिए नहीं है। मुझे अभी पता बाल धोने जाना है, मुझे बुखार चढ़ रहा है बहुत। ठंड में बाल धोना बहुत बहुत टेंशन वाली चीज होती है यार, सूखता नहीं है फिर ठंड लगती बहुत तेज। वैसे मेरी तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई, क्योंकि मुझे पता है कि सुबह सुबह कल जिम करने के बाद पसीने में थोड़ा सा बाहर निकला था, थोड़ा सा टी शर्ट वगैरह पसीने में गीली थी, और जैसे ही बाहर निकला हवा चल रही थी तो मुझे वहीं फील आ गया था कि ये नुकसान नहीं कर जाए मुझे। और सुबह उठाई मैं गले में दर्द के साथ, उठते उठते फिर इसने मुझे आज पानी पकड़ाया बेड पर, उठने से पहले बेड में नीचे उतरने से पहले इसने पानी पकड़ाया और सुबह अदरक वाली चाय दी एक, उसके बाद मैं थोड़ा सा उठा, फिर हम दोनों जिम गए। जैसे इसने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तू उठेगी तो मैं तुझे चाय दूंगी, चाय दूंगा ना पानी दूंगा, कुछ नहीं है ऐसा। मैं उठती हूँ सबसे पहले, पहले मैं नहाती हूँ करती हूँ, उसके बाद में मैं उठाने गई, मैं सूरज उठ जा मुझे चाय चाहिए। मैंने कहा मुझे चाय बनानी नहीं आती अदरक वाली, अरे मैंने कहा अदरक वाली तो बिल्कुल ही नहीं आती। फिर मैंने कहा चाहिए यार मुझे बता दे कैसे क्या करना है। गुरुको दीदी मैं कोई उसको मेरे पे विश्वास नहीं थी, मैं बना देती हूँ। उसके उसने फटाफट चाय बनाई, मैं इधर पानी गर्म करी, पहले इसको पानी दे के आई फिर उसको चाय दे के आई, उसके बाद ही उठा। मैंने कहा इसको क्या हो गया, मैं इसको पता बार बार कह रही, मैंने कहा लेट हो जाएंगे, बोले और नहीं पहले मेरे को वो चाहिए। मैंने कहा आज तो हो गया जिम का काम हो गया, आज जैसा मौसम है ना मेरा तो मन है छुट्टी मार के कहीं चली जाऊँ। कहाँ जाएगी, ये मौसम है, भजिए खाओ चाय पियो। यार भजिया, यार भजिया इज वेरी, पता है मेरे को अभी भी याद है, पता है कहाँ की भजिया याद आती है मेरे को। हम लोग वैष्णो देवी गए थे तो स्टेशन में हम लोग जो वापस आ रहे थे ना, ओ हो हो चटकारे वाली भजिए। घर पे बना सकते हैं क्या भजिए? यार मुझे नहीं पता, मैं तो कभी नहीं बनाया। उनको पूछते हैं कि वो घर पे बना देंगे क्या, अगर नहीं बन सकते अच्छे तो फिर अपन बाहर से देख लेंगे। मतलब क्योंकि भजिए तो ये मौसम तो अच्छा है, हाँ बाजार जाके चाय पियो भजिए खाओ, चाय पियो भजिए खाओ। चल अभी तो तू बाल धो, मैं एडिटिंग कर लेता हूँ। आज क्या बन रहा है, अपन भिंडी लेके आए थे ना, क्या भिंडी? हाँ पर वो रात को बनेगी ना। चलो ओके, अभी तो दाल चावल बन रहा है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तो हमारा सबसे मोस्ट कॉमन खाना दाल चावल, सबसे बेस्ट वो बन रहा है। मैं तो खा लेती हूँ आराम से मजे से खुशी से। बाल सुखाए जा रहे हैं इनके, बाहर बारिश आ रही थी अभी, बारिश आ रही है यार इसीलिए तो सुखा रही हूं। थोड़ी थोड़ी देर में ना बूंदे आ रही है फिर वापस, और बहुत ठंडी हवा चल रही है बहुत तेज, अन्य अभी भी आ रही है बूंदे आ रही है, हल्की हल्की बूंदे आ रही है। पकौड़ी का वो मिक्सर मिलता है ना, वो लाके यहाँ पे तल लेते हैं। मिक्सर कहाँ मिलता है? मिक्सर वो नहीं, वो बना बनाया उसका, हाँ, वो गोल, 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 वो कहाँ मिलेगा? अबे अपन दीदी का गन्ने का जूस लेने जाते हैं नेशनल हैंडलूम के आगे, मतलब गोल लेके आते हैं उस पताशी वाले, वो गन्ने वाले के एकदम सामने गोल बना के रखते हैं पकौड़ों के लिए। पकौड़ियां होती है, तो भजिया की बात कर रहे हैं, वो ही होती है भजिया पकौड़ी, एक ही बात होती है, पकौड़ी दाल की होती है, भजिया बेसन का होता है। और ये है ना डेकोरेशन, कल जब भैया सफाई वाले आए तभी हटाना, वरना पहले मत हटाना। कल फोड़ेंगे, कल सुबह सुबह फोड़ेंगे सारा। मैंने हिम्मत करके बाल वाल सब धो लिया, मैं काम कर रही हूँ। और अभी बाहर का मौसम ऐसा है की 1% लाइट नहीं आ रही वीडियोज में, 1% भी, फिर भी हम लोग जैसे जैसे वीडियोस बना रहे हो। गया मर गई, जाऊंगी पानी में बनेंगे सैसी, मर गई। किस पता है कल रात से ना ये खुद सोई है ना ऐसे मेरे को सोने दिया, इतनी भयंकर सू 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 कर रही थी सारी रात। मैं शूट कर रही थी और मुझे पता भी नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया, मतलब मैंने मेकअप स्टार्ट किया था बिल्कुल उजाले में और मेकअप एंड हुआ तब तक पूरा अंधेरा हो चुका था। अभी मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे वीडियोज़ और फोटोज़ कैसी आई हैं, बट इट्स लाइक अब तो मैंने कर लिया, अब तो कुछ हो भी नहीं सकता। सूरज के पास चलता है, वो देखते हैं उठा या नहीं उठा, बहुत ज़्यादा थक गया था वो, आई होप उठ गया हो, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मैंने चाय बनाई थी पीने के लिए। इतनी सारी चाय कब से खाए जा रही हूँ? अरे पता है सुबह मेरे साथ भी ये चीज, मैंने भी जरा सी चाय बनवाई, मैंने सारी चाय ना इन फैंस में खत्म कर दी। हाँ मैं वही कर रही हूँ, रुके नहीं रहा, खाए जा रही हूँ खाए जा रही हूँ। सूरज टाइम देखा तूने, बस स्वेटर पहन के और वो ओढ़ के सो रहा है। आज इसने पहली बार स्वेटर पहनी, इसने स्वेटर पहनी तो मुझे लग रहा है हाँ भी सर्दी है। सर्दी है नहीं यहाँ, सर्दी है क्या होता, खराब हो गई जब भी, तो थोड़ा सा लेटा हूँ यार। तुम भजिए का प्रॉमिस किया था अभी तक तो खिलाए नहीं भजिए। आज के मौसम को देखते हुए यही निकला इसके मुंह से, अरे लग गई। बाहर निकलते ही अभी जैसे प्लान बनाया कि बाहर कुछ भजिया खाने या पकौड़ी खाने चलते हैं, मतलब इस बालकनी से हम बाहर निकले हैं, मैं तो क्या गला खराब था तो मैं बस गरम चाय पीकर और थोड़ा सा पानी पीकर सोया था कि मैं थोड़ा ठीक फील करूं। उठते ही पहले इसने मेरे को वापस चाय दी, गलती से बालकनी के बाहर गया हूं और मैंने इसको बोला कि भाई
मुझे नहीं खानी पकौड़ी, यहाँ ले आओगे यहाँ बन जाएगी तो ठीक है, नहीं तो भाई ना पकौड़ी खानी ना कुछ खानी, क्योंकि अगर इतनी ठंड हो रही है बाहर, इतनी ठंडी हवा चल रही है, मेन चीज नॉर्मल ठंड नहीं है, हवा चल रही है, एकदम प्लान ड्रॉप कर लिया बाहर जाने का, क्योंकि किसी का मन नहीं हुआ कि बाहर जाके कुछ करें, तो इसलिए फिर हम आलू ले आए बस। दूसरे पकौड़ी खाए, पता नहीं कैसे लेकिन ये टूट गया, ठीक है सर टूट गया, पता नहीं अपने पास तो जीटू ठंडी ने का पता नहीं क्या किया है, ये नई सी है, ये साबुत था बेचारा। तो फिर हम पकौड़ियां तो खाएंगे बट हाँ घर पे बना के खाने वाले। वैसे तूने अच्छा मेकअप किया था यार, बात मत कर बेचारी ने वीडियो बनाया ढंग से बना नहीं, किसी टेक में लाइट कम है किसी में क्या कम है, किसी में मेरा मुंह ही खराब है, अब बताओ उसका क्या करूं। जब से ये ब्रेसेस लगाए मैं सही से हंस नहीं पा रही। आज खाई की सब्जी बनी है भिंडी, कोई भी खाने नहीं वाला, देखना ये भिंडी क्यों नहीं खाने वाला, खाएंगे। हेलो आंटी आपको आज नहीं आना था यार, काहे को यार भिंडी की सब्जी थी टेस्टी, मैं तो खाऊंगी, कोरी खा जा। इतनी ठंड में वो देख मेकअप साफ करने गई है, क्या करूं यार, ठंड ना जब अपन मनाली से आए थे ना तब मिल जाती ना अपन को, तब अपन नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन इतने दिन धूप रही है यहाँ पर, उसके बाद एकदम से बढ़ गई धूप, ये भी नहीं धीरे धीरे, इसके हाथ बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं मेरे, हमेशा ठंडे रहते हैं। कल से दो दिन में एक बार आएंगे बस, है पानी बचता है पागल इससे, नहीं तो भैया इससे गर्मियों में तू नहीं बचा अपने पानी, सर्दियों में तू बचा मुंह धो, क्या नहीं हो रही मेरी बात, पता है वैसे मुंह धोने में इतनी दिक्कत नहीं हो, लेकिन क्या है शावर में तो आता है गर्म पानी, इसमें नहीं आता, हाय 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 आजा मुंह धो जुकाम जम जाएगा, तैयारी चालू, सबसे पहले आलू उबालेंगे, हाँ सही आलू सीधे बन जाता है, कट हो चुके हैं आलू यार, कुछ ज्यादा ही बड़ा है। अब इसको डालूं कैसे इसमें, इसमें नहीं है इसमें भी तो सेम थे, इसमें ये कम है ना इसमें, चलो गाइस 1 2 3 हाय, गिर मत जाना बस बहुत है, लेट्स मेक बेसन का घोल, मिर्ची जीरा अब नमक डालेगा बस, और थोड़ा सा सोडा डालेगा जो कि नहीं है अपने पास, सोडा सारा बेकिंग सोडा, मीठा सोडा चाहिए, मीठा सोडा, सही गोल बना रही तू ब्राउनी का। इसको खिला दे पूरी यार, भैया ये ना मस्त चीज है, नहीं होता है अरे पतले से फिर वो होगा नहीं, बिखर जाएगा, इतना ही गाढ़ा होता है, इतना ही सही है ना, हां ये मिर्ची क्यों काट रही है, मिर्ची के पकौड़े खाएंगे भैया, ये नहीं थोड़ी चिरमिरा वैसे डाल के तो देखो, हाय अरे भाई ये तेल गरम ही नहीं हुआ है, तेल गरम नहीं हुआ, बच गया ना, देखो मैंने पूरा देखो क्या कर दिया, तो गाइस इसका मतलब है कि आंच बढ़ा दो, मैं तो कह रहा हूँ उसको पूरे को ना ऐसे कैसे ओवन में रख दे, ये बेक हो गया ओवन में, केक जैसी कितना कर रहा है, जीप सा सूखा सूखा सा। ओके भैया रेडी, दिखाओ दिखाओ क्या हो रहा है, दिखाओ मेरे को, इतना गाढ़ा थोड़ी जाएगा, पतला कर उसको, तो जब मैं पतला कर रही चल जाएगा, अरे ओए आराम से, अरे ओए आराम से, याद है ज्यादा तो ये मेरे को डरा देगी, कम ऑन मेरे को, कम ऑन यू कैन डू इट, यू कैन डू इट गाइस, मर्सी ओह माय गॉड, बच्चा मुझे भी देखने दे, ये क्या मदारी का खेल चल रहा है, हां देखूंगी, ओए तो पूरी बन गई, ओ फूल गई, अरे फूल तो नहीं है ये, अरे भजिया ऐसा ही होता है, अरे भजिया नहीं फूल, भजिया फूल अरे ऐसा ही होता है, पूरी में सब्जी डालने की जरूरत है, अंदर ऑलरेडी आलू है, अरे ये तो पूरियां बन रही है, कमाल फिर पता नहीं चल रही, क्या बन गया यार ये तो, अरे ये तो कछुआ है, कछुआ भाई, ये क्या बनाना चाह रही है, मैगी मसाला डाल के, देखो इसमें भी डाल मैगी मसाला, मजा है पागल है क्या, मैगी मसाला नहीं अच्छा लगता, अरे पहले इसको देख तो सही, खा तो सही, क्या बनाया तूने, अरे अच्छा बना है मुझे पता है भाई, नमक मिर्ची का इसमें इतना तो डाला है, रुक वापस खाती हूँ, मेरे को लगता है स्वाद नहीं है कुछ भी, ये मैगी बना दी रे आज नहीं आया क्या, तो और डाल देंगे अभी तो, ऐसे ही डाल दूं, अरे मैं ये नहीं, ये नहीं, तू रहने दे, ये ऊपर से डलेगा, मान जा, देखो ये क्या कर रही है, मिर्ची क्या कर क्या रही है, अब इसको तलूंगी मस्त लगेगी, अरे सूंघे मत, मर जाएगी, चलो गाइस खट्टी खट्टी खुशबू है, क्या हो गया, गरम मसाला देखो खुशबू निकल रहा है, सॉस दे यार, खाओ काका, खा खा खा, टेस्टी बना है, यम्मी, क्या ही बना रही, क्या बना रही है तू, ये पता नहीं बंद कर, साइड पे चिपक जाएगी, नहीं होता चिपक गई, देखो
पागल, मैं सोचती थी तुझे खाना बनाना आता है। बिश्मिलक टेस्ट नहीं आया, बहुत टेस्टी। हाय हाय, मैं नंगे पैर भाई चला भी नहीं जा रहा है फर्श पे, बहुत ठंडा हो गया भाई। ये कितनी सारी बना ली, सबको खिलाऊंगी आज। बढ़िया बांटिया थे, अड़ोस पड़ोस आठ फ्लोर है, बांटिया थे सबको एक एक पकौड़ी से। अरे सूरज जिया ने जो बनाया खा के देख तेरा दिमाग हिल जाएगा, इतना टेस्टी है। टेस्टी ब्रेसिस, यहां से मत तोड़ो ना, तोड़ नहीं रहा। खा जा खा जा, चटपटा से चिरमिरा हट है क्या, मजा आया क्या? बहुत टेस्टी, बहुत मजा आया। इनको देखिए ना, मेरे मुंह में पानी आ गया, मिर्ची लग गई, मिर्ची लग गई। अरे रे, इसको खाने बाद मैं आलू की खा लूं ताकि मिर्ची कम हो। और कुछ नहीं है, मिर्ची मिर्ची मेरे तो मस्त है, मैं तो दोनों निकली, दोनों मीठी मीठी। चल बढ़िया, वो भी टेस्टी बनी है, ये भी टेस्टी बनी है। वेरी गुड गाइस, देखो जैसे क्योंकि ठंडा मौसम था तो अपन ने पकौड़ी बनाई, अब बाहर खड़े होकर खाएंगे इसको। भजिए, सॉस, भिंडी की सब्जी और रोटी, बस इंसान को इससे ज्यादा जिंदगी में चाहिए क्या? मेरा तो दिन बन गया, मैं तो मस्त चटकारे ले लेके खाऊंगी। नाटक मत कर और चल मेरे साथ में, मेरे मनायका के पार्सल सुबह से तेरी गाड़ी में पड़े। प्लीज यार, यार मैंने शॉर्ट्स पहन लिए ना, ये देख मेरे को सर्दी लग जाएगी। और रात को क्या करेगी उन पार्सल्स का, खोलूंगी, मुझे एक्साइटमेंट है, मुझे एक्साइटमेंट। 10 बज रहे हैं, सुबह सुबह खोले ना, जिम जाएंगे उसके बाद, लिया ना ऊपर। यार बहुत एक्साइटमेंट, जिम नहीं होगा मेरे से, एक्साइटमेंट है। एंडिंग माय डे विद अ कप ऑफ टी, नींबू वाली चाय, नींबू वाली चाय पीते ही मुझे सोना है ताकि थोड़ी राहत मिले और कल सुबह तक तबीयत बढ़े नहीं, ठीक हो जाए और सुबह जिम जा सकूं। और ये ना नायके का पार्सल लेने जा रही है वैसे। चलो गाइस, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते हैं। मिलते हैं कल, बाय।